क्या सलाद बहुत ही बेकार होती है? तो हाँ, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तुम्हें सलाद नहीं पता तो हाँ, KGF की दूसरी बहन या कह सकते हो ये इस मूवी को, क्योंकि सेम डायरेक्टर की पैदाइश है। और तुम्हें एक चीज जरूर देखने को मिलेगा, बिल्डअप या सेटअप कह सकते हो एक कैरेक्टर का, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है प्रशांत देव के डायरेक्शन में, क्योंकि उनको अपने लीड को बहुत अच्छे से हीरोइक वे में प्रेजेंट करना आता है, और जब तुम्हें कुछ आता है उसे करना भी चाहिए। तो मूवी में बात करने से पहले मैं तुम्हें प्लॉट समझाना चाहूंगा कि मूवी का क्या है। मैं तो बहुत इजी है कि खानसार एक जगह है डिस्टोपियन फ्यूचर में, जहाँ पर अभी तक राजा राज चल रहा है, राजा राज चल रहा है, जहाँ पे अभी तक लोकतंत्र नहीं पहुंच पाया, राजा राज चल रहा है। और उसको देश के नक्शे से मिटा दिया गया था शुरुआत में, जब डेमोक्रेसी हमारे देश में आई थी। वरदराज मन्नार अभी करंट खानसार के राजा का बेटा है, पर वो सौतेला बेटा है, क्योंकि तुम्हें पता ही ना राजा के अलग शौक थे, तो वो वहां से आया। बट उसको ज्यादा दिया गया राजा बनने की, क्योंकि वो राजा के पिता से बहुत मेल खाता था उसका चेहरा, ये बेसिक स्टोरी है। बट यहाँ कहाँ सलाद फिट बैठता है, तो वरदराज मन्नार जो राजा का बेटा है, उसका सबसे डिग्री जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि एक दिन जब देवा को जरूरत थी तो अपनी जो पावर्स हैं प्रिंस की वो यूज करके देवा की माँ को बचाया था। तो हाँ, ये स्टोरी है फुल फ्रेंडशिप बॉन्ड की, जैसे कि तुमने KGF में देख रखा है, मदर सन बॉन्ड के ऊपर है पूरी मूवी। के एक दिन KGF के रॉकी भाई वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे कदमों में सारा सोना रख दूंगा मैं, और लेने निकल जाते हैं उसे। ये मूवी है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, तू जब भी बुलाएगा मैं वापस आऊंगा। तो यही देवा करता है, देवा प्लेड बाय प्रभास। और पृथ्वीराज है वो दोस्त, जो कि वरदराज मन्नार का कैरेक्टर है, वो दोस्त जिसके लिए देवा वापस आएगा। तो मूवी इसी प्लॉट को लेकर चलती है। तो जैसे कि सलार नाम का तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, तो मूवी खुद ही एक्सप्लेन करती है कि सलार नाम आया कहाँ से। सलार एक टाइम पे एक बहुत ही बड़े राजा का जनरल हुआ करता था, जो कि उसको जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता था, अपनी जान से भी ज्यादा। वो है सलार, जो कि सब देशों को कॉन्कर करता था उसके लिए और कहीं नहीं आना। वो है सलार जिसपे वो आंख बंद करके बैट लगा सकता था, वो है सलार। सॉरी, थोड़ा परेशानी स्टाइल हो गया, आई नो। और मूवी में कुछ कुछ चीजें जो मेरे को पसंद आई, वो जब वो मारता है तो इंजन स्टार्ट होने वाला सीन, वो अभी जैसे गाड़ी तुम जैसे गाड़ी को गर्म करते हो ना, धीरे धीरे रेस देते हो, ताकि वैसा वाला साउंड आ रहा था जब वो पेलना चालू करता है लोगों को, और फिर वो जब रेस पड़ती है चाटे के साथ साथ या मुक्के के साथ साथ के टिंग ऐसा मुक्के ऐसे मारता था भाई, इसके बाद तो मजा आता है। ये चीजें थोड़ी अलग होती हैं, तो कभी कभार मजा आता है इंसान। और तुम वर्ल्ड बिल्डिंग देखो प्रशांत नील की, वर्ल्ड बिल्डिंग ऐसी करते हैं कि बिल्कुल वोल्डेमॉर्ट फीका पड़ जाए। तो तुम एक नॉर्मल सी जगह रहते हो जहाँ पर लोग तुम्हारा नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो तुम्हारी मार से डरते हैं। इतना तुमने खूंखार बना लिया है, उनको क्या खौफ है तुम्हें, जैसे 100 मर्डर कर रखे हैं पर अगर तुम नाम भी ले दोगे तो तुम्हारा भी डरते। और नो डाउट प्रशांत नील अपने हीरोज को बहुत ही हीरोइक फॉर्म में दिखाना जानते हैं बहुत बखूबी, क्योंकि इतना सटीक, मतलब ठीक है कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल मूवी में बेकार हैं जो कि लोगों को भी दिखी, बट ये भी समझना होगा कि हर कैरेक्टर सेम नहीं होता, हर कैरेक्टर रियल लाइफ में भी सेम नहीं होता है। जैसे कि तुम हो शायद तुम ना बोलते हो, इसीलिए तुम मूवीज भी देखते हो ताकि तुम अपने आप को बांट सको, अपने आप को इंटरेस्टिंग बना सको इन रिव्यूज़ को देख के, और किसी को बता सको ये है मूवी में ये, ठीक है। तो ये भी होता है लोगों में, वैसे इस मूवी में शायद से वो इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, बट उसके एक्शन जो है वो जस्टिफाई करती है उसकी दोस्ती को और उसके हर रिश्ते को जो कि मूवी में दिखाया गया है, उसके बेटे होने के रिश्ते को या उसके रक्षक होने के रिश्ते। पर मूवी अगर कही जाए बहुत अच्छे मसाला सीन्स लेके चलती है अपने साथ, जो वो फाइट सीन है जिसमें से वो चारों तरफ से हाथ निकल जाते हैं, नहीं असलियत में ड्रैगन नहीं बनाया तो मुझे पता है तुम यही पूछने वाले, नहीं हाँ वो चार हाथ निकल के आते हैं, वो उसको काली माँ या असुर जैसा दिखाने के लिए ड्रैगन नहीं बनाया, हाँ नहीं आया है डायनासोर नहीं आया, वो मुझे पता है ट्रेलर में बोला गया था पर नहीं डायनासोर नहीं। तो हाँ देखो ये सच है कि KGF से थोड़ा थोड़ा ऐसा रिजेम्बलेंस बहुत आराम से, क्योंकि सेम डायरेक्टर है, हो भी सकता है, अब तुम उसको अपनी मूवी की कॉपी करना नहीं कह सकते, तुम कह सकते हो उससे भी इंस्पायर है, बट बेसिक स्टोरी लाइन या प्लॉट तुम कह सकते हो सेम ही है। वो एक तरफ एक वादा पूरा करने निकला, ये भी वादा पूरा कर रहा है, बट दोनों की सिचुएशन अलग है, दोनों की जगह अलग है, और क्या पता कोलैब भी हो जाएगा, वैसे कॉलेज नहीं हो सकता बट हो जाएगा तो हो भी जाएगा, कोई ऐसा बहुत तोड़ वाली बात नहीं जाएगी।
तो हाँ मैं बताना चाहूँगा कि इसकी फाइट सीन जो है वो बहुत वजन रखते हैं भाई। जब वो आता है सलार तब समझ आता है कि प्रभास बेकार एक्टर नहीं है, बस प्रभास को चाहिए होता है चांस। और डायरेक्टर से एक्टर कह सकते हो उसको, और डायरेक्टर ने वही निकलवाया प्रभास के अंदर से जो टॉप नॉच चीज़ है ना, जो एक्शन दिखाता है वो उनका, जो कि अभी कल्कि 2989 एडी में भी दिखाया है, वो लास्ट वाला सीन जब कर्ण की पावर्स आती है मजा। और काली माँ के सामने एक लड़की गुहार लगाती है, अगर तुम खुद नहीं आ सकती है किसी भगवान को नहीं भेज सकती तो कोई एक राक्षस ही भेज दो। और फिर आता है अपना सलार द राक्षस, उस मूवी का जैसे दिखाया गया अच्छा राक्षस। हाँ बुरे राक्षस में एक अच्छा होगा तो अच्छा राक्षस कहेंगे। और मूवी में एक मेटाफोर जो मैंने पकड़ा वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जैसे कि काली माता के हथियार के ऊपर पहले लाल रंग लगाया जाता है पूजा से पहले, वैसे ही जैसे जब ऐसे ही वर्धा के ऊपर जेल में लाल रंग लगाया जाता है क्योंकि यू नो कुछ होने वाला है बहुत ही गजब, और वो जब होता है मूवी में मजा देता है। तो मूवी क्या है, मूवी एक्शन मूवी है और इसको थ्रिलर मानने की कोशिश कर सकते हो, कर सकते हो, बट हाँ अगर तुम इसको थ्रिलर मान रहे हो तो बहुत उच्च लेवल की थ्रिलर नहीं है, कुछ सीन है जो तुम्हें थ्रिलर मदद लेंगे। बट हाँ तुम्हें अगर KGF पसंद आई थी और तुम उसको एक नए पैरेलल यूनिवर्स में देखना चाह रहे हो कुछ एक नई स्टोरी के साथ, तो तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए क्योंकि नो डाउट प्रभास अच्छा एक्टर है। और हाँ कुछ कुछ चीज़ें खराब हों तो इंसान खराब नहीं होता है, ठीक है, सबको सबके अंदर कुछ क्वालिटीज़ खराब होती हैं, वैसे ही प्रभास भाई के साथ है कि कुछ करने जाते कुछ हो जाता है, सिस्टम है। तो हाँ आज इतनी ही बातचीत करते हैं इस मूवी पे जो कि चचेरी बहन है KGF की। तो हाँ मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ और आखिरी दिन पे अपने 30 days 30 वीडियोज के चैलेंज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरे दिनों से दुरुस्त रहना। मैं आता हूँ अगली वीडियो में जो कि लास्ट वीडियो आने वाली है इस पूरे चैलेंज की, और तब तक के लिए बाय बाय।